बात चली है खतरों के खिलाड़ी की, तो भाई एक और बड़ी खबर जो मेरे कान लगी है वो आप तक पहुंचाना तो जरूरी है ही। चलिए जान लेते हैं क्या है वो खबर इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल खतरों के खिलाड़ी को लेकर ये खबरें आ रही थी दैट विनर हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्लोज टू ऑल ऑफ अस, यानी कि रागी सावंत ने बातों बातों में अर्जुन बिजलानी का नाम क्या लिया। हम सभी ने तो अर्जुन बिजलानी को ही विनर मान लिया, लेकिन अब जब रिपोर्ट्स की माने और इनसाइड सोर्स की माने फ्रॉम द टीम, तो पता चल रहा है जैसा कि मैंने आपसे कहा था द टीम इज नॉट कीन ऑन शूटिंग द विनर सीक्वेंस, विनर स्टंट इन केप टाउन। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, केप टाउन में काफी हद तक शूटिंग निपटा कर सारे कलाकार वापस तो आ गए, लेकिन फिर भी सेमी फिनाले शूट जो है, ग्रैंड फिनाले शूट जो है वहां पर नहीं हुआ है, यानी कि मुंबई में ही होगा। फाइनल स्टंट का शूट मुंबई में ही किया जाएगा, फिनाले का स्टंट पूरा और उसकी शूटिंग यहीं पर होगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई भी शॉकिंग बात नहीं है। एज आई टोल्ड यू द विनर हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड, विनर अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है, तो कलाकारों का विनर के रूप में सामने आना, उनका नाम सामने आना इज जस्ट अ बोगस खबर दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ बाज एंड मेकिंग योर हेड टर्न। दरअसल बात तो ये है कि अभी तक मेकर्स ने विनर को डिसाइड ही नहीं किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि शो जैसे ही शुरू हो तभी वो इस फाइनल शूट को जो है कंप्लीट करे, ताकि वो बस क्रिएटेड रहे। तो ऐसे में अभी भी चांस है, अपने फेवरेट स्टार्स को आप विनर बनता हुआ देख सकते हैं। टॉप 5 टॉप 4 कौन है वो भी मैं आपको कई मौकों पर बता चुकी हूँ, क्या है फाइनल लिस्ट मैं खुद नहीं जानती हूँ, तो इसलिए अभी तो बस स्पेक्युलेट किया जा सकता है। लेकिन आप किसको विनर बनता हुआ देखना चाहते हैं वो जरूर आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।